आज हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, वो भी हम रागी के आटे से बनाएंगे। रागी को कई लोग नाचनी भी बोलते हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से बोला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। आज हम रागी के आटे में से रागी के ढोकले बनाएंगे। सुपर हेल्दी रेसिपी है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सुपर हेल्दी रागी ढोकले की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपका सब्सक्राइब का बटन ब्लैक आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले से कर लिया है। अगर आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे तो आप अनसब्सक्राइब हो जाओगे, तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। रागी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो प्लेट के अंदर ढोकला बनाने वाले हैं वो प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो प्लेट ली है और दोनों प्लेट को मैं यहाँ पे ऑयल से ग्रीस करके तैयार कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे ढोकले का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना रागी का आटा लिया है। जितना हमने यहाँ पे रागी का आटा लिया है इतना ही हमें यहाँ पे सूजी को लेना है, दोनों का प्रपोर्शन सेम ही लेना है। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 कप जितना दही को। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे। रागी के बेनिफिट्स तो आप सब लोग को पता ही है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि रागी में से हमें ढेर सारा कैल्शियम मिलता है, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है इनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। विटामिन डी से भरपूर होता है, इसके अंदर ढेर सारा आयरन होता है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं इनके लिए तो रागी बेस्ट है, क्योंकि रागी के अंदर ढेर सारा फाइबर होता है जिससे हमारा वेट लॉस होता है। अभी हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट को डालेंगे और ग्रीन चिली पेस्ट को डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना डाला है, आप जितना तीखा पसंद करते हो इसके हिसाब से डाल सकते हो, और 2 से 3 टेबल स्पून जितना हमें इसके अंदर ऑयल को डालना है। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ढोकला का बैटर बनके तैयार है, इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, जिससे सूजी अच्छे से जितनी फूलनी होगी वो फूल जाएगी। बैटर यहाँ पे रेस्ट होता है तब तक यहाँ पे हम धनिया पुदीने की चटनी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया को धो के साफ करके तैयार किया है और इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ पुदीने के पत्ते भी लिए हैं और यह है करी लीव्स। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 तीखी वाली मिर्ची को। आप जितना तीखा पसंद करते हो इसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हम डालेंगे इसके अंदर 7 से 8 नग मूंगफली के दाने। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट को डालेंगे और 1 TSP जितना हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा को। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का जूस, आधा नींबू का जूस मैंने इसके अंदर डाला है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी शक्कर को, जिससे हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी, ग्रीन ही कलर इसका रहेगा और टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। और अभी हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी बनके तैयार हो चुकी है, अभी हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी हमें ढोकले को स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर पानी डाल दिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम बैटर को चेक कर लेते हैं, बैटर ने भी बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम को। कैप्सिकम को मैंने यहाँ पे बारीक बारीक चॉप किया है, और यह है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को भी हम इसके अंदर डालेंगे। वेजेस आपको जो भी पसंद हो वो इसके अंदर आप डाल सकते हो। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 TSP जितना बेकिंग सोडा को, इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हो तो इसके जगह पे आप इनो भी डाल सकते हो। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। बैटर को अभी हम ऑयल से ग्रीस की हुई थाली के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इतने बैटर में से 2 थाली ढोकला बनके तैयार होता है। अभी हम बैटर के ऊपर लाल मिर्च को इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़े से शिमला मिर्च को भी हम इसके ऊपर डालेंगे और कॉर्न को भी डालेंगे।
अभी मैं इसी तरह से दूसरी प्लेट के अंदर भी बैटर को डाल देती हूँ और ऊपर से हम लाल मिर्ची और शिमला मिर्च कॉर्न को स्प्रिंकल कर देंगे। अभी मैं दोनों थालियों को ढोकले की स्टैंड के अंदर सेट कर लूंगी और इसे हम स्टीमर के अंदर स्टीम करने के लिए रख देंगे। ढोकले की थाली को जब भी हम स्टीमर के अंदर रखेंगे तो पानी ऑलरेडी पहले से गर्म होना ज़रूरी है, तो ही हमारे ढोकले अच्छे बनेंगे। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढोकले हमारे बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसे आप चेक करने के लिए नाइफ़ इसके अंदर आप डाल के भी चेक कर सकते हो। नाइफ़ अगर आपका क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ढोकला एकदम तैयार हो चुका है। ढोकले ठंडे हो जाने के बाद हम इसके पीसेस करेंगे, इसे कट करेंगे। तब तक यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। ऑयल यहाँ पे हमें ढोकले की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा करना है। अभी मैंने 2 टेबलस्पून जितना राई लिया है, यानी कि मस्टर्ड सीड। राई यहाँ पे अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना तिल को। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है और वो भी मैंने फिक्की वाली ली है और इसे हम बारीक कट करके इसके अंदर डालेंगे और 1/2 TSP जितना हम इसके अंदर हींग को डालेंगे। हींग डालने से ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे करी लीव्स को। अभी हम गैस ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे ढोकले भी ठंडे हो चुके हैं, इसे भी हम कट कर लेते हैं। अभी हम ढोकले के ऊपर तड़का डालेंगे और स्पून की मदद से इस तरह से स्प्रेड भी करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे सुपर टेस्टी हेल्दी ऐसे रागी के ढोकले बनके तैयार हो चुके हैं। अभी हम इसे सर्विंग प्लेट पे सर्व करेंगे। अभी हम इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए कॉर्न तैयार रखे हैं, इसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे और ग्रेट किए हुए कोकोनट को भी डालेंगे। ये ढोकले को आप ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच में सर्व कर सकते हो। ये ढोकले बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनते हैं। और रागी में से बनने वाली और कौन कौन सी नई नई रेसिपी को आप देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर मेरी और 2 नई रेसिपी दिखेगी, इसमें से आपको जो पसंद हो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ पे मैं आपसे फिर से मिलूँगी।